With just few moments left in the consecration of Ram Temple in Uttar Pradesh, Ayodhya, and the whole country in preparing to receive Lord Ram, preparations for the program have been completed. The 51-inch high statue of Ram Lala sits in the Sanctum Sanctorum, and guests have already started arriving, and the stage has been set up for a historic occasion. Before the consecration, the entire Ayodhya has been decorated in a grand manner, and security arrangements are also in full swing. Commandos have been deployed at every intersection of Ayodhya. ये वही पावन धरा है, यह वही पावन स्थल है जिसकी पहचान सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में है। जी हाँ, हम इस समय अयोध्या की धरती पर खड़े हैं। अयोध्या, वही अयोध्या जहाँ पर रामलला का जन्म हुआ था। एक लंबे अरसे के विवाद के बाद यहाँ पर अब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये मुख्य द्वार है जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद हो चुकी हैं। लगातार सभी वाहनों की पुख्ता चेकिंग की जा रही है कि किसी प्रकार की कोई भी गलत गतिविधि यहाँ पर ना होने पाए। इसके अलावा मैं आपको दूसरे तरफ भी दिखाऊँगा कि आप इस चौराहे पर से ही देख सकते हैं कि पूरी अयोध्या को किस तरीके से सजाया गया है। जहाँ एक तरफ साज सज्जा बहुत बेहतरीन तरीके से की गई है, तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा के भी पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। कल 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर भव्य राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति पर पूजा पर बैठेंगे, जिसके बाद यह मंदिर पूरी तरीके से भव्यता को ग्रहण करने के साथ ही आम दर्शनार्थियों के लिए खुल जाएगा। इसके अंदर भी अभी लगातार हलचलें जारी हैं, लोगों का आना जाना जारी है, लोगों का उत्साह जारी है, और उसी उत्साह को दिखाने के लिए हमारे संवाददाता अशहर असरार लता मंगेशकर चौक पर मौजूद हैं। तो हम सीधे उनके पास चलते हैं और देखते हैं आखिर क्या नज़ारा है लता मंगेशकर चौक का। Security arrangements have been strengthened in the entire Ayodhya for the consecration of Ram Lala. There is police surveillance on every nook and corner. Today, the throne of Ram Lala will be washed with the water of Sariyu River, after which the worship of Pran Pratishtha will be initiated by Prime Minister Narendra Modi. बिल्कुल आकाश, देखिए हम लोग इस वक्त लता
चौक पर मौजूद हैं। लता मंगेशकर के नाम पर इस चौराहे को बनाया गया है। तस्वीरें आप देखिए यहाँ पे, कितना खूबसूरत नज़ारा है। इसको पूरी तरीके से सजा के रख दिया गया है, तैयार है ये पूरी तरीके से। और अब अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी तैयार मानी जा रही है, क्योंकि जो सुरक्षा है उसको लेकर के कड़े इंतज़ाम कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है, हर आने जाने वाले वाहनों का पास चेक किया जा रहा है और सभी अयोध्या की सीमाओं को सील कर दिया गया है। अगर बात करी जाए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की, तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले यहाँ पे अद्यम सुरक्षा का किला तैयार कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं, मशीन गन से लेकर के AK-47 लिए कमांडो तैनात हैं। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर से भी निगरानी करी जा रही है। कमांडोज जो है सायरन बजाती हुई गाड़ियों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सीमाओं को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। अभी वही अयोध्या में एंट्री कर सकता है जिसके पास प्राण प्रतिष्ठा का न्योता है या फिर पास है। एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक सभी ऊंची स्नाइपर इमारतों पर स्नाइपर से तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ सरयू में भी नाव पर सैर कर रही है पुलिस, उसके चप्पे चप्पों पर निगरानी करी जा रही है। जो भी आसपास के घर हैं जहां पे मेहमान पहुंचे हुए हैं उनकी लिस्ट को भी चेक किया जा रहा है। लगभग 25,000 जवानों की यहाँ पर तैनाती करी गई है और 31 IPS अफसर जो है उनकी ड्यूटी लगा दी गई है सुरक्षा को लेकर। जो छत है वहाँ से सरयू तट तक पूरी स्नाइपर्स लगा दिए गए हैं जो नज़र बनाए हुए हैं। 10,000 CCTV और AI से हर शख्स पर निगरानी रखी जा रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं। राम मंदिर की अगर परिसर की सिक्योरिटी की बात करी जाए तो उसको 6 लेयर बना दिया गया है, जहां पर SPG, CISF, स्पेशल कमांडो, CRPF, NSG और ATS कमांडो पूरी तरीके से तैनात हैं। खुफिया तंत्र जो हैं एजेंसियां उनको भी एक्टिव कर दिया गया है। आज यहां पर जिस तरीके से नज़ारा आपको दिख रहा है ये आने वाली सुबह की आगाज़ है, क्योंकि कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। लगभग 13 मिनट की ये पूजा चलेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माफ़ कीजिएगा, 45 मिनट की ये पूजा रहेगी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा और जिसको चलते लगभग 16 तारीख से यहाँ पे जो इस कार्यक्रम का आयोजन था उसको कर दिया गया था। और 16 तारीख से ही यहाँ पर भीड़ है, लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, जगह जगह पर चेकिंग करी जा रही है। और कल हम आपको ये रास्ता दिखा दें, यहाँ पर देखिए आकाश, यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर राम मंदिर है जहाँ पर यह कार्यक्रम होना है और सुरक्षा यहीं से चाक चौबंद कर दी गई है। और इस चौराहे का आप नज़ारा देखिए, किस तरीके से यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं। पुलिस का स्टॉल लगाया गया है, दिन हो या रात हो, 112 आपके साथ, यानी जो पुलिस है वो ये लोगों को सुनिश्चित कराना चाहती है कि वो उनकी सुरक्षा में पूरी तरीके से तैनात है। जो भव्य नज़ारा आप देखिए, किस तरीके से लाइटों को लगाया गया है चौराहे पर, जो भीड़ है वो आकर्षित हो ताकि यहाँ पर लोग सेल्फीज़ ले रहे हैं और ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं, पुख्ता कर रहे हैं कि कल वो यहाँ पे साक्षी बनने के लिए आए हैं उस शुभ घड़ी के लिए जहाँ प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो विराजमान करे जाएंगे उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पे पहुँचेंगे। इसका साक्षी होने के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं, देश के और विदेशों से भी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। पूरी जो भीड़ है उसका इंतजाम किया गया है पुलिस द्वारा, एक एक इंसान को चेक किया जा रहा है। अभी हम यहाँ पे बने हुए हैं और हॉर्नबिल TV के जो संवाददाता हैं, जो लोग हैं, हम लोग चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए हुए हैं, हर पल पल की अपडेट देते रहेंगे और जुड़े रहेंगे हमारे साथ। देखते रहिए हॉर्नबिल TV।